दोस्तों बिलाशुबा हराल्ड गारफिंकल की किताब एक सेमिनल काम है इथनो मेथोडोलॉजी के पर्सपेक्टिव को लेकर, और जहाँ से भी इथनो मेथोडोलॉजी को समझने की शुरुआत होती है लोग हराल्ड गारफिंकल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ इथनो मेथोडोलॉजी गारफिंकल की जो है वही सारी इथनो मेथोडोलॉजी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ अवकात में ऐसे बहुत सारे इथनो मेथोडोलॉजिस्ट्स आए हैं, जैसे जिमरमैन है, जैसे वीडर है, जैसे पोलनर है, जिनको इवन रेडिकल सिचुएशनलिस्ट्स कहा जाता है। ऐसे और बहुत सारे, जैसे एक इन्फ्लुएंशियल नाम मुझे याद आ रहा है हार्वी सैक्स का, जिन्होंने मिलकर काम किया हराल्ड गारफिंकल के साथ, उनको कोई नहीं जानता। एलन ब्लम है, पीटर मैकहक है, ऑरन स्क्योरल हैं, जो डिस्टिंग्विश हुए बाद में इथनो मेथोडोलॉजी से और अपने काम को कॉग्निटिव सोशियोलॉजी कहलाना पसंद करते हैं, और डगलेस हैं, डेंजिन हैं, बहुत सारे ऐसे इथनो मेथोडोलॉजिस्ट हैं जिनकी हमें व्याख्या करनी चाहिए, जिनको हमें